क्या चल रहा है यहाँ? अब प्लीज मुझे कोई बैड न्यूज मत सुनाना, क्योंकि मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? सीमल, सलीम अब नहीं रहा। क्या मतलब? यासिर ने सलीम को मार दिया। ये तुम क्या कह रही हो? वो भला ऐसा क्यों करेगा, क्यों मारेगा? मैं उसे जानती हूँ, ऐसा कभी नहीं करेगा। तुम लोगों को वो जरूर कोई गलत फहमी हुई है। यकीनन उनका झगड़ा हो गया होगा, या फिर उनके दरमियान कोई और बात हो गई होगी, क्योंकि सलीम यासिर का दोस्त नहीं भाई है। हमने यासिर से पूछा सीमत, कुछ नहीं कहा उसने। यासिर, क्या हुआ तुम्हें और ये खून कैसा है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, ये किसका खून है? ये मेरा खून नहीं है। तो फिर किसका है? ऐसे सवाल मत पूछो जिनके जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। सिमल, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नामुमकिन है। यासिर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसा क्यों करेगा? तो फिर बताओ कि अब क्या होगा? मुझे कुछ नहीं मालूम, शायद वही होगा जो हर बार होता आया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा, मैं ये नहीं मान सकती। मैं भी यकीन नहीं कर सकती। आखिर यासिर सलीम को कैसे मार सकता है? क्या तुम लोगों ने उसकी अम्मी से कोई बात की है तानिया? हम भला उनसे क्या बात करते? अभी तक तो लाश भी नहीं मिली उसकी। सलीम ही उनका वाहिद सहारा था। हम देखभाल करेंगे उनकी। क्या हुआ, तुम कहां जा रहे हो? तानिया संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। तानिया, हमें यासिर को इस सब से हर हाल में रोकना होगा। अब ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, और वैसे भी अब वो हमारा सामना नहीं कर सकेगा, पर वो सुकून से कैसे रह सकता है? उसने भाइयों जैसे दोस्त को मार डाला। सीमल, ये सिर्फ सलीम की मौत नहीं है, बल्कि यासिर की भी है। सीमल, सिमल, ये तो यासिर की कॉल है।
तुम्हें आज घर नहीं जाना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ बोलो यासिर। सिमल कहाँ हो तुम? दरअसल मैं बेकरी जाने के लिए निकली थी, लेकिन अब मम्मी की तरफ आ गई हूँ मैं। ठीक है, मैं गाड़ी भेजता हूँ, एक घंटे में पिक कर लेगी तुम्हें वहाँ से। लेकिन यासिर, मैं आज रात यहीं रुकना चाहती हूँ। दरअसल अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा मेरे पास रुक जाओ तुम। रुक जाऊँ मैं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने कुछ आदमियों को भेज रहा हूँ वहाँ। देखो, तुम जानती हो हालात ठीक नहीं, और दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचना भी मत। उसने कहा मैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स भेजता हूँ, उनके आने से पहले मुझे अम्मी के घर जाना होगा। सुनो, तुम आदिल को अकेला मत छोड़ना, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। अपना ख्याल रखना। ये कलर कैसा रहेगा आमिर? मुझे तो ये कलर पसंद है, इस कलर को देखकर मूड एकदम से खुशगवार हो जाता है। हाँ बिल्कुल अच्छा है। और पेंटर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम काम से जल्दी फ्री हुए, हम दोनों मिलकर इस कमरे को खुद अपने हाथों से पेंट करेंगे। हाँ ठीक है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैंने और क्या खरीदा है। जरा ये बेडशीट तो देखो, अच्छी है ना? और पर्दे भी लाई हूँ, अभी दिखाऊंगी तुम्हें, देखना मेरी बेटी कितनी खुश होती। ये देखो, मैं एलिफ के रूम के लिए कितना क्यूट लैंप लाई हूँ ना। हाँ वाकई बहुत प्यारा ही है। कुबरा, यासिर आज बेकरी पर आया था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने यासिर का आना जरूरी नहीं समझा। तुमने यासिर को जाते हुए देखा और मुझे बताया तक नहीं, आजमा रहे थे मुझे। ऐसा नहीं है कुबरा, मैं तुम्हें आजमा नहीं रहा था, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम सच बोलो। देखो आमिर, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, वो बस अचानक वहां आ गया। और वैसे भी अगर मुझे ही उससे मिलना होता तो मैं कॉल करके वहां तुम्हें क्यों बुलाती? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी एतबार नहीं? वो चाहता क्या है? वो अलिफ से मिलना चाहता था, वो चाहता है कि मैं अलिफ को उससे दूर ना रखूं। और मैं जानती हूं उसे अलिफ की कोई परवाह नहीं, वो एक बार फिर से मुझे दुख देना चाहता है। उसे क्या लगता है कि वो मेरी जिंदगी में आएगा, मुझे दुख देगा और दोबारा वापस चला जाएगा? कभी नहीं। तुमने क्या कहा? मैंने उसे कहा कि हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर रहो। क्या पता यासिर ने यह शादी मजबूरी में की हो, सीमल की हालत तुम्हारे सामने थी, हो सकता है ये सब ना होता तो वो तुम्हें लेकर वाकई बैरूनी मुल्क चला जाता जैसे कहता था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आमिर, पर मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूं। याद है मैं प्रेग्नेंट थी और उसने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, वो सिमल से मोहब्बत करता है इसलिए शादी की। कुबरा दरअसल हकीकत कुछ और है, सिमल प्रेग्नेंट नहीं है। क्या मतलब? सिमल को कहीं से कुछ ऐसा मिला जिसमें यासिर के खिलाफ काफी सारे सबूत थे, और इसी वजह से सिमल की जान को खतरा था। अगर यासिर उसे प्रोटेक्ट ना करता तो वो लोग सिमल को अदालत में गवाही देने के लिए मजबूर करते। जो भी हुआ इसी वजह से हुआ। क्या इसलिए यासिर ने हमें छोड़ दिया? ठीक कहा। तो ये सब यासिर ने सिमल को बचाने के लिए किया? हाँ, उम्मीद करता हूं कि अब काफी कुछ बदल जाएगा। खाना
शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अख्तर को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज शुरू होगा। देखो तुम हार मान लो, चलो 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 जल्दी करो, जरा देखो तो सब खत्म। आमिर बात सुनो, क्या अब तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? तुम्हारा सिपाही कहाँ है? ये मुझे बहुत पसंद है। मेरा सिपाही देखो जरा, बाबा तुम्हारे लिए भी लाए हैं। क्या ये मेरे लिए है? ये तुम हो और ये मैं हूं, ठीक है? चलो लड़ाई शुरू। मेरी भेजी हुई लोकेशन पर पहुंच जाओ, हमें कुछ जरूरी काम करना है। ये रही। रुको, कैसे खेल रहे हो तुम? मैं बताता हूं किस तरह खेलते हैं। डाइस को ऐसे हिलाओ और ऐसे फेंक दो। तुम्हें तो बस चाय पीने आती है, इसके सिवा कोई काम नहीं। हकी भाई, आपको यासिर के आदमी लेने के लिए आए हैं। मुझे क्यों लेने आए हैं? मैं नहीं जानता, वो बाहर खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम बैठो यहां। मेरा कोट लाओ, किधर है? हेलो, कैसे हो प्रोसिक्यूटर? हमें अभी मिलना होगा। क्यों, क्या हुआ? तुम जो भी कर रहे हो उसे वहीं पर रोक दो। मैं तुम्हें यासिर के बारे में कुछ अहम बताने वाला हूँ। ठीक है, कहाँ आना मुझे? जहाँ हम पहले मिले थे। हाँ, समझ गया। कुबरा, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद करो और सो जाओ, ठीक है? ये लो। थैंक यू। सीमल, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो,
सब ठीक तो है ना? क्योंकि शादी के बाद एक दिन भी तुम्हें खुश नहीं देखा है मैंने। नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी, ठीक हूं मैं। मैंने कभी नहीं सोचा था इस घर को इतना याद करूंगी। मगर वो क्यों, क्या ये इतना बुरा लगता है तुम्हें? मेरा ये मतलब नहीं, लेकिन मुझे इस घर की याद आती है, नहीं भूल सकी ना आपको और ना ही इस घर को। देखो बात सुनो, तुम जब भी चाहो इस घर में आ सकती हो, क्योंकि अब भी तुम्हारा इस घर पर उतना ही हक है। पर मुझे ये समझ नहीं आई कि आज रात तुम यहां क्यों रुक रही हो? क्या यासिर से झगड़ा किया तुमने? अरे नहीं तो अम्मी, दरअसल यासिर शहर से बाहर गया है तो, और वैसे भी मैं काफी दिन से आपके पास आकर रुकना चाह रही थी, इसलिए भी। हाँ, जरा उन आदमियों को देख लूं मैं। ये तो ऐसे खड़े हैं जैसे जो भी आएगा उसे खा जाएंगे। पिछले 2 घंटों से यहीं परी हैं। पता नहीं ये चाहते क्या हैं। ये लोग यासिर के आदमी हैं। उसने ही भेजा है इन्हें मेरी हिफाजत के लिए। सीमल, तुम अपनी इस शादी से खुश तो हो? बहुत खुश हूं वाकई। आपको लग नहीं रहा मुझे देख के सब कुछ बिल्कुल ठीक है? अच्छा तो तुम्हारी कुबरा से भी कोई बात हुई? जी, मिली थी मैं उससे। यासिर ने उसके साथ जो भी किया उसका इल्जाम मुझे देती है वो, जबकि मैंने हर तकलीफ में हमेशा उसका साथ दिया। मुझे आपके पास आना है, आपके कंधे पर सर रखना है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तो बताओ क्या बात है जो तुम मुझे यासिर के बारे में बताना चाहते हो? ओहो, बड़े बेचैन हो रहे हो। बड़ी बात है प्रोसिक्यूटर, ना कोई सलाम ना दुआ। हाँ मैं समझ गया, यासिर तुम्हारे हाथ से बड़ी आसानी से निकल गया, इसीलिए तुम गुस्से में हो। देखो ये अलमाज, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सुना तुमने, इसलिए जो भी तुम्हें कहना है जल्दी कहो। ये खबर सुनकर तुम हैरान हो जाओगे प्रोसिक्यूटर। अच्छा ठीक है, जो तुम सुनना चाहते हो मैं बताता हूं। कल रात कब्रिस्तान में कब्र खोदी गई है और उस कब्र को खोदने वाला तुम्हारा अपना भाई है, क्योंकि कल रात उसने एक कत्ल किया है। वो उसका खास आदमी था, सलीम नाम है उसका। वाकई सलीम मर गया? हाँ सलीम मर गया। मैंने तुमसे कहा था ना तुम सुनकर हैरान हो जाओगे। तुम भी अपने भाई की तरह बहुत बेवकूफ हो। उसे लगा कि सलीम ने उसके साथ गद्दारी की है, इसलिए उसने उसे मार दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर कब्र खोद कर देख लो। हेलो सर, क्या हम मिल सकते हैं? देखिए सर, हमारा इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है, मुझे एक बहुत अहम खबर मिली है। ठीक है सर, मैं अभी आपके ऑफिस पहुंचता हूं, बस थोड़ी देर में। हेलो कामरान, कहाँ हो तुम? ठीक है, मेरी बात गौर से सुनो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से ऑफिस में मिलो। सारा कसूर मेरा है, मैंने भी मान लिया कि वो धोखेबाज है। जो होना था हो गया, लेकिन तुमने उसका कत्ल तो नहीं किया ना?
मैंने गलत किया जो तुम पर गुस्सा हुई, जिसके लिए अब मैं शर्मिंदा हूं। जबकि हर मुश्किल में तुमने मेरा साथ दिया है, ये मानती हूं मैं। इसी तरह सलीम के भी एहसानात हैं मुझ पर। तुम जानती हो सलीम तुमसे मोहब्बत करता था? हाँ मैं जानती हूं। वो कैसे? इस बात का पहले मुझे भी पता नहीं था। तुम कैसे जानती हो? लड़कियां सब जान जाती हैं पर जाहिर नहीं करती, इसलिए मैं भी जान गई थी। लेकिन ये सब मैंने सलीम पर जाहिर नहीं होने दिया। तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की उसने। वो हर रोज यही सोचता था कि वो तुमसे कहेगा कि उसे तुमसे मोहब्बत है। पर जब तुम्हारे सामने आता था तो डर जाता था। उस वक्त हालात कुछ और थे, हम सबके अपने अपने ख्वाब थे। लेकिन कौन जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। काश हमने अपनी जिंदगी आसान बनाई होती। हमारे पास जो था हमने उसकी कदर नहीं की। ज्यादा की लालच ने हमें अंधा कर दिया था। हम तो बस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इस दौरान हम अपने आसपास की खुशियों से बेखबर रहे। लेकिन अब हमें यासिर को रोकना होगा, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो सब कुछ बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। हमारे रोकने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अब तो यासिर भी खुद को नहीं रोक सकता। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहां पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। आमिर, तुम्हें आखिर मुझसे क्या चाहिए? मालूमात। तो ये बात है, अगर तुम सब बता दोगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें। आमिर, मैं यासिर को धोखा नहीं दे सकता। तुम्हें अच्छी खासी रकम देकर गायब भी कर सकता हूं मैं। गाड़ी तेज चलाओ। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो कि हर इंसान की मौत का एक दिन मुकर्रर है। हम कुछ नहीं कर सकते। सलीम की मौत का जिम्मेदार मैं हूं सर, ना मैं उसे गवाह बनाता और ना वो मरता। तुम हर बार खुद को कसूरवार कहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? मत भूलो कि उसके कत्ल का जिम्मेदार सिर्फ एक है, उसी ने ही उसे मारा है। अगर मैं यासिर को वक्त पर रोक लेता तो सलीम आज जिंदा होता। देखो, मैं समझ सकता हूं कि तुम इस वक्त जज्बाती हो रहे हो, लेकिन आमिर, तुम्हें ऐसे बहुत से वाकयात पेश आएंगे, खुद को इनकी आदत डाल लो। अगर तुम ऐसे ही इन मुकदमात का बोझ कांधों पर उठाकर फिरते रहोगे तो तुम एक दिन पागल हो जाओगे। गुड इवनिंग सीनियर प्रोसिक्यूटर। गुड इवनिंग। क्या टीम कब्रिस्तान पहुंच गई? उन्होंने कब्र की निशानदेही की है जो अभी बिल्कुल ताजा है। उस कब्र पर ना तो कोई निशान है ना ही किसी नाम की तख्ती। देखिए सर, हमारा ये मुनासिब वक्त नहीं है। जाना जरूरी है। देखो, हमें इस मामले में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वक्त का तकाजा यही है। मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। हम लोग दिन के वक्त जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है सर। तुम अपने लोगों से कहो कि कल सुबह तक वो वहीं रहें। किसी को भी उस कब्र के करीब जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है सीनियर प्रोसिक्यूटर। मैं कल सुबह तुम्हें पिक करूंगा और हम दोनों मेरी गाड़ी में जाएंगे।
आखिर तुमने क्या सोच के मेरे शौहर को अरेस्ट किया है, बताओगे मुझे? देखो सिमल, अगर वो तुम्हारा शौहर है तो मेरा भाई है वो। अगर मैं ये ना करता तो कोई और ऑफिसर करता और फिर उसे बिला वजह नहीं पकड़ा, सबूत मिले हैं उसके खिलाफ। या अल्लाह, ये क्या कर रही हूं मैं? बेटी, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, कब तक भूखी रहोगी? खाने पीने का ख्याल नहीं रखोगी तो बीमार हो जाओगी। फिलहाल मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा अम्मी, बाद में खा लूंगी मैं। चलो आओ जल्दी। ओहो, इस वक्त कौन आ सकता है? मैं सिमल को लेने आया हूं। सुबह बखैर दुल्हे मियाँ। सिमल, यासर, मैं कुछ दिन अम्मी के पास रुकना चाहती हूँ। तुम तो जानते हो ये अकेली होती हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें यासर के साथ जरूर जाना चाहिए। देखो वो तुम्हें लेने के लिए आया है। लेकिन हमने तो प्लान बनाया था ना कि हम ये सारे काम मिलकर करेंगे। जल्दी करो सिमल, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूं। सिमल, तुम्हें चले जाना चाहिए उसके साथ। पर मैं आपके पास भी तो रुक सकती हूँ। लेकिन ये मत भूलो कि तुम उसकी बीवी हो, समझ गई? तुम्हें मोहब्बत है इसलिए तुमने शादी की, इसलिए जो भी मसला है उसे अपने घर में सुलझाओ। आखिर ऐसी भी क्या बात है, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो। अगर उसका दिमाग घूम गया तो फौरन घर से निकाल देगा तुम्हें। अच्छा बस करें अम्मी, ठीक है मैं जा रही हूँ। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। गुड मॉर्निंग आमिर। गुड मॉर्निंग सर। कामरान को वहां भेज दिया है, वो वहीं हमारा इंतजार कर रहा है। लगता है नींद पूरी नहीं हुई तुम्हारी। दरअसल सो नहीं सका। कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए था तुम्हें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अब तुम्हें खुद को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। यासर, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे किसी के दबाव में रहने की आदत नहीं। मैंने तुम्हें समझाया भी था कि अपना मुंह बंद रखना। बताओ, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने तानी और आदिल को सब कुछ बता दिया। मैंने तुमसे कहा भी था कि किसी से इसका जिक्र भी मत करना। क्या मैं जिंदगी भर यही सब सुनती रहूंगी? हर वक्त के सवाल जवाब करना बंद करो यासर, तंग आ गई हूँ मैं इससे। सिमल चुप हो जाओ, तुमने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि तुम एतबार के काबिल नहीं। तुम पर एतबार किया ही नहीं जा सकता।
आखिर तुम अपने इतने करीबी दोस्त को कैसे मार सकते हो यासिर? ये सब करते हुए तुमने जरा भी नहीं सोचा? सीमल बहुत हो गया, मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, समझ गई तुम? देखो आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बगैर ना तो किसी से बात करोगी और ना ही किसी से मिलोगी, हाँ समझ आई तुम्हें? अगर मैं मिलती हूँ तो क्या करोगे? क्या मार दोगे मुझे भी? देखो सीमल मेरी बात ध्यान से सुनो, जिससे तुम्हारा ताल्लुक नहीं वहां अपनी टांग मत अड़ाना, और अगर अब मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना, समझ गई तुम? हाँ समझ गई। अच्छी बात है, लेकिन एक बात तुम भी समझ लो, अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे मोहब्बत करे। हाँ। यहाँ तक कि मैं भी नहीं। ठीक कहा,